बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मैंगो केक। तो इसके लिए हमने लिए एक कप मैदा लिया, इसे छान लिया है, हाफ कप वेजिटेबल ऑयल, मक्खन या घी आपने पिघला हुआ इस्तेमाल करना है, हाफ कप हो, पौना कप चीनी है और इसे हमने ब्रिक पीस लिया है। आपके पास आइसिंग शुगर नहीं तो पीस हुई चीनी इस्तेमाल करें। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, कुछ कतरे हम वनीला एसेंस के इस्तेमाल करेंगे। दो अदद हमने अंडे लिए हैं जो बॉल पे हमने तोड़ के डाल दिए हैं। सबसे पहले हम अंडों में चीनी और ऑयल जो है या बटर वो हम मिक्स करेंगे। हैंड मिक्सर की मदद से हम इसे बीट करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है जी। दूध भी हम लेंगे नीम गरम, अगर हमें पता हम अगर फील करें कि ये बैटर ज़्यादा थिक है तो नीम गरम दूध थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इसे पतला करने के लिए बैटर को। दूसरे बाउल में हमने डाल दिया मैदा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है हम अच्छे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। वनीला एसेंस के कुछ कतरे डालेंगे, मिक्स करेंगे। आप ये देखें बैटर थिक है, इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना डाल लें, मिक्स करेंगे। अब ये देखें बैटर रेडी हो चुके हैं, इतना बैटर आपका थिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब केक मोल्ड में हमने वैक्स पेपर लगा के रख दिया होगा। अगर आपके पास वैक्स पेपर नहीं है, बटर पेपर नहीं है, तो आपने कोई सा भी सादा पेज जिस पर कोई लाइनिंग ना हो, कोई कुछ भी ना लिखा हो, बिल्कुल प्लेन पेपर लेके तो उसको कटिंग करके तो ऊपर आयल लगा के वो आप लगा लें, ठीक है जी। अब हम केक मोल्ड में से डालेंगे बैटर को। केक मोल्ड पर टैप करेंगे, एक्स्ट्रा बबल ख़त्म हो जाए। अब हम इसे पतीले में रखेंगे, जिसे हमने 15 मिनट पहले हम होने के स्टैंड के ऊपर हम ये केक बोर्ड रखेंगे कि जब हम ये मोल्ड रखेंगे बैटर वाला तो उसमें नीचे से वो जले नहीं, नीचे से बाद दफ़ा केक पक जाता है और ऊपर से कच्चा रहता है, इसलिए हम सबसे पहले नीचे स्टैंड के ऊपर केक बोर्ड रखेंगे। आप उसे कवर कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे बेक करेंगे। तकरीबन 45 मिनट पूरे हो चुके हैं, केक बेक हो चुका है। आप इसे निकालेंगे और इसे ठंडा करेंगे। एग बीटर की मदद से हमने क्रीम को व्हिप किया है। मैंगो केक रेडी हो चुके हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे जी, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।